प्रतापगढ़ के दबंग राजनेता के रूप में मशहूर कुंडा के विधायक राजा भैया को लोकसभा चुनाव से पहले बहुत बड़ी राहत मिली है। ये राहत उन्हें यूपी की सबसे बड़ी अदालत ने दी है, जिसके बाद 14 साल पहले उन पर जो दाग लगे थे आखिरकार वो धुल गए और राजा भैया फिर से बेदाग हो गए। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपहरण और थाने में फायरिंग करने से जुड़े मामले में बरी कर दिया। उन पर ये केस मायावती की सरकार में दर्ज हुआ था। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए राजा भैया के साथ साथ 20 और लोगों को निर्दोष माना है। इन सभी के खिलाफ अदालत में ये मुकदमा लंबे अरसे से चल रहा था। चलिए अब आपको बताते हैं ये मामला क्या था और किस सन में राजा भैया के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2010 में ब्लॉक प्रमुख चुनाव से जुड़ा ये मामला है। तब तत्कालीन बसपा नेता मनोज शुक्ल ने राजा भैया समेत 20 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। उन पर बीडीसी सदस्य के अपहरण और थाने में फायरिंग का आरोप था। ये केस साल 2011 में दर्ज किया गया था। 2014 में शासन ने केस वापस लाने का आदेश दिया था, लेकिन MP MLA कोर्ट ने इसकी इजाजत नहीं दी थी, जिसके बाद राजा भैया ने हाई कोर्ट का रुख किया था। बता दें कि अपहरण और फायरिंग के मामले में राजा भैया जेल की सजा भी काट चुके हैं। फिलहाल लोकसभा चुनाव से पहले राजा भैया के लिए ये एक अच्छी खबर मानी जा रही है। वहीं राजा भैया को कोर्ट से राहत मिलने के बाद उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। समर्थक एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मना रहे हैं।